राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। करवा चौथ 1 नवंबर का पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सभी सुहागन स्त्रियां रखती हैं और अनमैरिड गर्ल्स भी रखती हैं, लेकिन उसकी पूजा पद्धति अलग होती है। खैर, सभी सुहागन स्त्रियां रखती हैं और सभी देखती हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये तो सब देखते हैं, लेकिन पूजा का अशुभ मुहूर्त क्या है, अर्थात राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए, जिसका आपको सुखद परिणाम तो मिलता नहीं, इनफैक्ट दुखद परिणाम भी आपको झेलना पड़ जाता है। राहु काल में की गई पूजा बिल्कुल बेकार होती है। तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है कि आपको करवा चौथ बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो 1 तारीख की करवा चौथ है, दूसरी बात पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। चांद निकलने का जो समय है वो हर देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा अलग अलग है, कहीं पे 8:30 बजे, कहीं पे 8:26 मिनट पे है। कुल मिलाकर 8:30 बजे का ही चांद निकलने का टाइम है। मैं यहाँ पे पुणे में रहती हूँ, यहाँ पे चांद निकलने का टाइम 9:10 मिनट पर है। अब करवा चौथ के समय पे आपको राहु काल देखना बहुत जरूरी होता है। राहु काल में कभी भी आपको पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी होती। मैंने पंचांग देखकर जो राहु है वो राहु काल है वो नोट कर लिया है। दोपहर के समय राहु काल 12:04 मिनट से प्रारंभ हो रहा है। ध्यान दीजिए कि 12:04, मोटा मोटा 12 मान लीजिए कि 12 बजे राहु काल प्रारंभ हो रहा है, जो कि 1:27 मिनट अर्थात 1:30 बजे तक रहने वाला है। कुल मिला के 1.5 घंटे का ये राहु काल है, जो कि 12 से प्रारंभ हो रहा है और 1:30 बजे तक रहने वाला है। राहु काल में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लेते, राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई पूजा नहीं करते, और राहु काल में आपको ये जो 16 श्रृंगार करते हो, या तो इससे पहले कीजिए या इसके बाद कीजिए, राहु काल में कोई भी 16 श्रृंगार नहीं करते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है, इसलिए 12 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। उसके साथ साथ गुलिक काल भी है, जो कि सुबह 10:41 मिनट से प्रारंभ होगा और 12:04 मिनट तक रहने वाला है। 45 मिनट से प्रारंभ हो रहा है, 12:04 मिनट तक रहने वाला है। इस काल में भी आपको पूजा इत्यादि नहीं करनी है, लेकिन इस काल में आपको करना क्या है, इस काल में श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करनी, संकल्प नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। पूजा का शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया है शाम का 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में पूजा का बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला, मैं कुछ ये नहीं बता रही कि पूजा कैसे करें और करवा कैसे बदले और फलाना ढिलाना, ये सब चीजें मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हर किसी की पूजा पद्धति अलग होती है। कोई सिखों के साथ पूजा करता है, कोई केवल सिंपल करवे के साथ पूजा करता है, कोई पार्वती माता से करवा बदलता है, कोई अपने सास से करवा बदलता है, कोई मीठा करवा लेता है। तो हर किसी के करवा की जो पद्धति होती है वो सब कुछ अलग अलग होती है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। काला कपड़ा नहीं पहनना, नीला कपड़ा नहीं पहनना, काला नीला और भूरे कपड़े नहीं पहनने हैं, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। फैशन के चक्कर में प्लास्टिक की कोई भी चीज अपने शरीर में नहीं पहननी, लोहे की कोई भी चीज अपने शरीर में नहीं पहननी होती। हाँ, चूड़ा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, चूड़ा आपका सुहाग की निशानी होती है, चूड़ा आप पहन सकते हो। करवा चौथ में आपको काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की बिंदी, नीले रंग की चूड़ियां, नीले रंग की बिंदी का उपयोग नहीं करना होता। करवा चौथ में आपके मंगल सूत्र की भी पूजा अर्चना वंदना होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका मंगल सूत्र है उसकी भी पूजा होती है। जब आप पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो अपने मंगल सूत्र की भी विशेषकर पूजा अर्चना वंदना आपको करनी होती है। जो मैंने आपको राहु काल बताया है इसमें किसी भी प्रकार का साज श्रृंगार मत कीजिए और इसमें किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना मत कीजिए। अब आप लोग कहोगे दीदी सुबह कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, भैया अपने घर के सबके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, शास्त्रों में जो वर्णन है वो बता रही हूँ। शास्त्रों में निर्जला निराहार व्रत की श्रेणी में आइए, अर्थात पानी का एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए, बाकी आपके घर के जो भी रूल्स रेगुलेशन हो आपको उस हिसाब से व्रत रखना होता है, ठीक है। शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला व्रत, यानी कि सुबह चांद उगने से पहले, सूरज निकलने से पहले कुछ खा लिया, या फिर पूजा करने के बाद चाय पी ली, सेब खा लिया, दूध पी लिया, ऐसा नहीं होता है। निर्जला मतलब निर्जला होता है जब चांद को आप अर्घ दे दोगे, उसके बाद भी आप किसी भी चीज का सेवन कर सकते हो। करवा चौथ के व्रत में सास को श्रृंगार का सामान निकाला जाता है। करवा चौथ के व्रत में सास को श्रृंगार का सामान निकाला जाता है, साथ ही के साथ पार्वती माता को भी श्रृंगार का सामान या फिर करवा माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करने का बहुत महत्व होता है। करवा चौथ के व्रत में जब आप सास को श्रृंगार का सामान निकालो उसमें 5 चीजें अवश्य रखें, मेहंदी, बिंदी, आपको मेहंदी अवश्य रखनी है, बिंदी अवश्य रखनी है, अलता आपको अवश्य रखना होता है। अलता 16 श्रृंगार में एक आता है, जिसको महावर भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, सिंदूर
आपको अवश्य रखनी होती है, दक्षिणा और वस्त्र अवश्य रखना है, बाकी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी चीज रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक, करवा माता को और पार्वती माता को भी आपको सिंगार का सामान जरूर समर्पित करना है। इस दिन अगर आप पार्वती माता से भगवान भोलेनाथ का गठबंधन करते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। देखिए साइंटिफिक बताती हूँ, करवा चौथ रिलेट करता है चांद से, आप चांद को अर्घ्य देते हो, चांद की पूजा अर्चना वर्तना करते हो, फिर व्रत खोलते हो। चांद का संबंध कहीं ना कहीं भगवान शिव से होता है, तो करवा चौथ वाले दिन अगर आप शिव मंदिर जाके भगवान शिव को जल समर्पित करोगे, माता पार्वती को सिंगार का सामान समर्पित करोगे, भगवान शिव का गठबंधन आप अगर माता पार्वती से करोगे तो आपकी सुहाग की जो आयु है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है और आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। करवा चौथ जो करवा माता है वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है पार्वती माता से, पार्वती माता का ही सारी जितनी भी माता है वो पार्वती माता का ही कहीं ना कहीं स्वरूप मानी जाती है, होती है वो कहीं ना कहीं पार्वती माता का ही स्वरूप मानी जाती है। इसलिए इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि पार्वती माता से इस दिन सुहाग का सामान आपको जरूर लेना होता है, मतलब सिंदूर इस दिन आपको जरूर लेना होता है। सिंदूर कैसे लेना है, जब आप पूजा पाठ अर्चना करोगे तो आपको सिंदूर पार्वती माता को चढ़ाना है और फिर उसी उंगली से जो आपने पार्वती माता को चढ़ाया वही उंगली अपनी भरनी होती है। दोबारा पार्वती माता को चढ़ाया, दोबारा अपनी भरनी होगी, तीसरी बार पार्वती माता को चढ़ाया, तीसरी बार अपनी भरनी होगी। ये कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं, शाम की पूजा के बाद भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन राहु काल में नहीं कर सकते। करवा चौथ वाले दिन चांद को जल देने की विशेष परंपरा है, लेकिन चांद को जल देते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना। नंबर एक, सिर कवर होना चाहिए। फैशन के चक्कर में ऐसा मत भूले कि आप सिर को ढकना ही भूल जाए, सिर को ढकना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर दो, आपको लोटे में बेसिकली मिट्टी के लोटे का उपयोग करोगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होगा। स्टील के लोटे का उपयोग आप अपने जल के लिए कर सकते हो, लेकिन मिट्टी के लोटे का उपयोग कीजिए, और जो दिया होता है ना वो भी अगर मिट्टी का होगा तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। इसके लिए आप उसके लिए आप जो चांद को जल दे रहे हो उसमें कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, चावल, थोड़ा सा मिष्ठान आपको अवश्य डालना है, उसके बाद चांद को जल देना है। उसमें एक या दो का सिक्का भी डाल सकते हैं, उसके बाद आपको चांद को जल देना है। इसके लिए ध्यान रखना कि चांद का जल नीचे से जाएगा और नीचे से जाते जाते ऊपर तक जाएगा, और जितना ऊपर तक आपका जल जाएगा आपकी सुहाग की आयु उतनी लंबी बोली जाती है। चांद को जल देने के बाद इस चीज का ध्यान रखना है, वो जल आपके पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए। चांद को जल देने के बाद वहीं पे खड़े होकर चांद की सात परिक्रमा करने का विधान होता है। उसके बाद अपने पति के चरण धोइए, चरण छुइए, उसके बाद अपने पति को कुछ मिष्ठान खिलाइए, मिठाई में आप कुछ भी सफेद चीज जरूर और जरूर रखिए, दूध से बनी कोई भी मिठाई रखिए। सबसे पहले वो अपने पति को खिलाइए, उनकी झूठी मिठाई आपको खानी होती है जो आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग करती है। करवा चौथ वाले दिन आप चाहो करवा चौथ वाले तो दो दो चांदी के छल्ले लेके आ सकते हो और अपने हस्बैंड वाइफ को चांद की रोशनी में वो चांदी के छल्ले पहना सकते हो, बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ पे बेसिकली मैं नए बिछुए हमेशा लेके आती हूँ और उसी दिन नए बिछुए बदलकर मैं पहनती हूँ, आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो मेरी इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ आपको करवा चौथ पे जो भी खाना होएगा वो बाहर से नहीं आएगा, घर पे बनाएगा, बिना लहसुन प्याज की खाना खाने का विधान होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि करवा चौथ वाले दिन आपको, बड़े सारे लोग कहते हैं कि भैया खाना मत बनाना, बाहर जाके खाना खा लेंगे, नहीं, बाहर के खाने में लहसुन कांदा उपयोग होता है और करवा चौथ वाले दिन आपने व्रत रखा है तो बिना लहसुन प्याज के खाना खाने का विधान होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।